चलिए भाई आज शुरू करते हैं हम थर्ड ग्रुप कैटायंस। यस, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आ जाएगा थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप के कैटायन याद है, ऑल करोड़पति फकीर, ठीक है, ऑल करोड़पति फकीर, ठीक है। ये तीन थे, इनका ग्रुप रिएजेंट था आपका NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ये आपका NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl आ गया। अब NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl जब डालेंगे आप, तो इनके सबके हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट आएंगे। ये हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट आए, ये हाइड्रोक्साइड के पीपीटी आए थे थर्ड ग्रुप के, और मैंने इनको फिल्टर किया था, फिल्टर करके मैंने कहा था थर्ड ग्रुप के पीपीटी को यहाँ रख दो साइड में, याद आया, तो वो साइड में रखे हुए हैं। अब वो पीपीटी लिए, टेस्ट ट्यूब में डाल दिए मैंने वापस, खाली टेस्ट ट्यूब में। ये पीपीटी लेके किस में डाल दिए, खाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिए ऐसे। अब टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अब हमने क्या किया, इसको डिसॉल्व कर लिया पूरे पीपीटी को, डिसॉल्व इन कंसंट्रेट HCl। HCl में डालते ही सब अपने अपने क्लोराइड बना देंगे, और इनके क्लोराइड सोल्यूबल होते हैं, इनके जो क्लोराइड है वो क्या हो गए, सोल्यूबल। ये सारे सोल्यूबल होके फ्री हो गए, फ्री हो गए तो अब इनके टेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल। पहला आएगा टेस्ट एल्यूमिनियम प्लस थ्री का। एल्यूमिनियम प्लस थ्री का जब NaOH से रिएक्शन कराया जाता है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइड पीपीटी बनता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने Ki नहीं लिया, फिर हमने K2CrO4 नहीं लिया, साइनाइड नहीं लिया, क्योंकि वो सब सॉल्युबल है, उनके कोई पीपीटी आएंगे नहीं, तो नो रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि एल्यूमिनियम की NaOH से रिएक्शन कराई तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बना। क्या ये एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम? यस, ये एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक है, और अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा एक्सिस में, याद करो, आया ना, और सॉल्युबल होकर के बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है ये? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या ये सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम तो होता है सोडियम एल्यूमिनेट। और इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यानी कि अगर आप इसमें से पानी को निकाल दें, देखिए आप यहाँ पर चार OH में से दो H निकाल दें, यानी कि H2O निकाल दें, तो यहाँ पर आपका क्या बच रहा होगा, 2H2O बाहर आ गया। पानी निकालने के बाद जो बचता है उसे मेटा कहते हैं, इसलिए इसका नाम बना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम बन गया एल्यूमिनेट। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है जो बना, क्या है ये? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये आपका जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम इस इक्विलिब्रियम में देखें और इस इक्विलिब्रियम में एसिड डाल दें, तो एसिड डालने पर NaOH कम हो जाएगा, वाइट पीपीटी रीअपियर हो जाएगा। तो नोट करके हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिशन ऑफ एसिड वाइट प्रेसिपिटेट रीअपियर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आराम से नोट करें। ऑन एडिशन ऑफ एसिड वाइट प्रेसिपिटेट रीअपियर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एसिड डालने पर वो NaOH को कम करेगा, NaOH कम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा, ठीक है, ये जनरल थ्योरी। लेकिन अगर पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल दिया जाए, कौन सा एसिड बोल रहा हूँ बताओ मैं, पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं अभी बताते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल दिया जाए तो उस कंडीशन में वाइट पीपीटी डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाता है वो देखते हैं अपन। और ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है, तो देखिए अभी जो रिएक्शन थी हमारी इक्विलिब्रियम वाली वो क्या थी, वो थी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब NaOH से रिएक्ट कर रहा था तो आपके पास ये NaAlO2 प्लस 2H2 बना था। अब हम इसमें पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डाल रहे हैं, क्या ये कोई एसिड है, देखो जरा फटाफट जल्दी से सोचो, क्या कोई एसिड है ये, कौन सा एसिड है अगर है तो बताओ, टार्ट्रिक एसिड। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड,
इसको अगर मैंने डाल दिया इसमें इक्विलिब्रियम में, तो ये क्या करेगा जरा देखना। ये जैसे ही आप पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डालेंगे तो ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड जाते ही इस AlO2- से रिएक्ट करेगा और AlO2- से रिएक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा देखो, CHCH O- O- COOH COOH, ठीक है। फिर यहाँ आएगा एल्यूमिनियम प्लस 3 CHCH माइनस COOH COOH, ये कॉम्प्लेक्स बना और ये पानी निकल गया यहाँ से। अब आप सोचो कि अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डालने पर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ से इसका मतलब ये हट जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम में से हटेगा तो इक्विलिब्रियम आगे भाग जाएगा, आया ना। इक्विलिब्रियम अगर आगे भाग जाएगा तो इसका मतलब ये पीपीटी जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड डालने पर ये प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। पॉलीहाइड्रोक्सो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OH अपना H दे रहा है, यहाँ पर COOH नहीं दे सकते। पूछो क्यों, COOH देंगे तो 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, कितनी 7 मेंबर्ड रिंग, क्लियर, क्या बन जाएगी 7 मेंबर्ड, ठीक है। फिर आपको डाउट आएगा कि एक COOH दे दे और एक OH दे दे तो 6 मेंबर बनेगी। तो देखो COOH में COO- में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने से जो O की डोनेटिंग एबिलिटी वो घट रही है, जबकि OH में अगर O- देखेंगे तो O- की डोनेटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए OH- ही देता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स इनके होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से यूज कर सकते हैं देखो जरा, पहला टार्टरिक एसिड तो बता ही दिया मैंने, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में, ध्यान रखना। पहला तो मैंने दे दिया टार्टरिक एसिड, दूसरा आपका है सिट्रिक एसिड, तीसरा आपका है मैलिक एसिड और चौथा आपका है सल्फोसैलिसिलिक एसिड। टार्टरिक एसिड तो मैंने बता ही दिया, सिट्रिक एसिड देखो क्या होता है, तो जो हम एसिड ले रहे हैं उसमें OH ग्रुप का होना जरूरी है, ये OH वाले ले रहे हैं अपन। देखो मैलिक एसिड की बात करें, ये मैलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, ये तो हो गया सिट्रिक का। सल्फोसैलिसिलिक एसिड का बात करें, ये सल्फोसैलिसिलिक एसिड है, देखो वही चाह रहे हैं सब, ठीक है। ये एसिड्स अगर डाल दें अपन तो फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइड प्रेसिपिटेट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगला देखो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन दूसरी किससे कराते हैं, NH4OH से। अब NH4OH से कराएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइड प्रेसिपिटेट आएगा, एक्सिस में इनसोल्युबल ही आएगा। अभी एक्सिस में इनसोल्युबल क्यों आया बताओ, क्योंकि ये डी ब्लॉक नहीं है इसलिए सोल्युबल नहीं रहेगा, इनसोल्युबल रहेगा, ठीक है। अब जो थर्ड ग्रुप कैटाइंस हैं, इनका एक की पॉइंट चलेगा जिससे जल्दी जल्दी सवाल होंगे थर्ड ग्रुप के लिए सिर्फ, ठीक है। थर्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, देखना जरा कि कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट
कार्बोनेट सोल्ट्स अगर आ जाए इनके ऑल करोड़पति फकीर यानी थर्ड ग्रुप वालों के, कार्बोनेट सोल्ट्स ऑफ Fe प्लस थ्री, Al प्लस थ्री एंड Cr प्लस थ्री डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सोल्यूशन. क्या बोल रहा है वो, डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सोल्यूशन, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. रीजन बिकॉज दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड. They are readily hydrolyzed. वो जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अपने corresponding hydroxides में. तो यानी कि अगर मैं Fe plus 3 की carbonate से reaction कराऊंगा तो मैं carbonate नहीं बनाऊंगा, मैं hydroxide बनाऊंगा. Aluminium plus 3 की carbonate से बनाऊंगा तो carbonate ही बनाऊंगा, hydroxide बनाऊंगा. Chromium plus 3 की carbonate से कराऊंगा तो carbonate ही बनाऊंगा, hydroxide बनाऊंगा. पहला और key point. दूसरा, सल्फाइड सॉल्ट्स ऑफ क्रोमियम प्लस थ्री एंड एल्यूमिनियम प्लस थ्री एंड मैग्नीशियम. आयरन नहीं है यहाँ पे, या मैग्नीशियम है, ध्यान रखना. ठीक है, इनके लिए भी ये लिखो, क्या, डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इनटू देयर कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोक्साइड. इनके लिए भी क्या लिखोगे, डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड इनटू देयर कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोक्साइड्स. ये भी कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोक्साइड्स में सोल्यूबल हो जाते हैं तुरंत. क्लियर सबको. तीसरा, सम बेसिक एसिटेट्स ऑफ Fe प्लस थ्री, Al प्लस थ्री एंड Cr प्लस थ्री. सम बेसिक एसिटेट्स ऑफ Fe प्लस थ्री, Al प्लस थ्री और Cr प्लस थ्री. सम बेसिक एसिटेट्स ये भी आपके जो होते हैं, क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, यानी कि इन तीनों की बेसिक एसीटेट के पीपीटी भी बनेंगे. ये हमने एसीटेट आयन में पढ़ा था, याद करो. एफ ई का एक आया था ब्राउनिश रेड, एफ ई ओ एच होल टू सी एच थ्री सी डबल ओ, बेसिक याद आया, आयरन टू एसीटेट. ठीक है, मतलब आयरन थ्री एसीटेट जो भी था. तो यहां पर आप बात कर सकते हैं, तो तीन पीपीटी इनके भी आएंगे, दो इनके और तीन इनके, यानी टोटल आप देखो तो आठ रिएक्शन याद हो गए. तीन तो इनकी आ जाएगी अभी हाइड्रोक्साइड्स, दो इनकी आ जाएंगी अभी हाइड्रोक्साइड्स, और तीन इनके बेसिक एसिडेट्स आ जाएंगे. खटाक से आंसर आएगा. ठीक है, अभी देखो कैसे कैसे आंसर आते हैं अपने. ये की पॉइंट्स आपको दोबारा से देखो, याद करने अच्छे से, ताकि आपकी रिएक्शन फटाफट हो जाए. ठीक है, देखना जरा. पहला, अगर मैं एल्यूमिनियम प्लस थ्री की H2S से कराऊंगा रिएक्शन तो रिएक्शन होगी ही नहीं. पूछो क्यों, H2S सेकंड पीरियड का ग्रुप रिएजेंट, सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट था. सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है तो थर्ड ग्रुप का पीपीटी नहीं ला सकता. यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एसिडिक लिखता तब भी नहीं आता, यहां लिखना पड़ेगा बेसिक, तब रिएक्शन होगी. और जब रिएक्शन होगी तो L2S3 बनेगा, लेकिन L2S3 हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज होकर के क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपका जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ड्राई कंडीशन होती तो एग्जिस्ट करता, ड्राई ड्राई, लेकिन अगर एक्वस, और हम सॉल्ट के अंदर करवा रहे हैं, सॉल्ट के अंदर करा रहे हैं, तो एक्वस में कैसे एग्जिस्ट करेगा. तो देखो एक मिनट में सारी रिएक्शन खटाक से आ गई, नोट करो इसको फटाफट जल्दी से. हो गया. अब अगर हम बात करते हैं, इसकी जगह अमोनियम सल्फाइड ले लो तो भी आपका वही L2S3 बनेगा, और L2S3 वापस से क्या हो जाएगा, पानी में है तो हाइड्रोलाइज्ड, और ये बन जाएगा. ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम प्लस थ्री की किससे करा दूं, Na2CO3 से, जल्दी बताओ. अब Na2CO3 कराओगे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वाइट पीपीटी. पूछो क्यों, अब ये भी बताया ना, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, मतलब कार्बोनेट हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, और किस में बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. एल्यूमिनियम प्लस थ्री बेसिक एसीटेट के साथ भी बनाते हैं, तो आपका ये आ जाएगा एल्यूमिनियम ओ एच होल टू सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस, ये वाइट पीपीटी माइनस हो जाएगा,
की पॉइंट दो एक, एल्यूमिनियम के सारे प्रेसिपिटेट व्हाइट, पीपीटी सारे क्या होंगे व्हाइट। तो अगर आपसे पूछे ये वाला व्हाइट, ये व्हाइट, अगर मैं फॉस्फेट के साथ रिएक्शन कराऊं तो बताओ अब फॉस्फेट के साथ रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कलर बोलो इसका एल्यूमिनियम फॉस्फेट का व्हाइट, एल्यूमिनियम के सारे पीपीटी व्हाइट, की पॉइंट लिख लेना है, एल्यूमिनियम के सारे प्रेसिपिटेट व्हाइट, की पॉइंट बनाओ इसका, एल्यूमिनियम के सारे प्रेसिपिटेट व्हाइट, क्लियर। अब इसकी खास बात होती है इन सॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड में, ये क्या है बताओ, इन सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड में इन सॉल्युबल है और ये इन सॉल्युबल है, इसका डिस्टिंक्शन हुआ है किससे, सेकंड ग्रुप यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप मतलब यहां पर पीरियडिक वाला, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो फॉस्फेट होते हैं वो सब सॉल्युबल होते हैं एसिटिक एसिड में, ये इनसॉल्युबल होता है। तो अगर कभी आपको देते हैं कि बेरिलियम फॉस्फेट है या बेरियम फॉस्फेट है और एक एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, पता लगाओ दो टेस्ट ट्यूब अलग अलग दे दी, तो आप बेरियम फॉस्फेट में डाल दोगे खड़ाक से एसिटिक एसिड, वो हो जाएगा सॉल्युबल और ये इनसॉल्युबल, पता लग जाएगा। तो यहाँ नोट करके लिखेंगे आप इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड और डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक है। और सॉल्युबल किसमें होता है, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि सॉल्युबल इन NaOH, एम्फोटेरिक ही है, एम्फोटेरिक होगा तो NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, एम्फोटेरिक है ना तो NaOH में क्या हो जाएगा सॉल्युबल, ठीक। ठीक है, अगला जो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है लेक टेस्ट, इसको थोड़ा आराम से समझना क्योंकि इसमें थ्योरी है, मतलब रिएक्शंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को याद है टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, याद है इसको करने का तरीका समझना। ये मैंने एल्यूमिनियम का सॉल्ट, ये सॉल्ट लिया मैंने, जो सॉल्ट ओरिजिनल दिया उसने, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया, ये शेक कर लिया मैंने, शेक करके क्या बन गया ये ओरिजिनल सॉल्यूशन, क्या बन गया ये बन गया मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन। फिर याद है इसके अंदर हम ग्रुप रिएजेंट डालते हैं, डाइल्यूट HCl डाला, कोई पीपीटी नहीं आया मतलब फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, फिर डाला H2S गैस पास किया एसिडिक मीडियम में, कोई पीपीटी नहीं आया मतलब सेकंड ग्रुप एब्सेंट, फिर डाला मैंने अब इसके अंदर क्या NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, जैसे ही ऐड किया अगर एल्यूमिनियम है, अच्छा जान पूछ के वो वाइट सॉल्ट देगा, अगर वाइट सॉल्ट दिया है लैब में, ये मैं लैब वाली बातें बता रहा हूँ, तो कन्फर्म एल्यूमिनियम ही है, क्योंकि अगर वो थर्ड ग्रुप का सॉल्ट देता और उसमें अगर Fe होता तो येलो कलर का होता वो, और अगर आपका जो है वो क्रोमियम होता तो ग्रीन कलर का होता, तो सॉल्ट अजीब सा होता है, येलो ग्रीन और वाइट मिला के अजीब सा। तो यहाँ क्या चालाकी होती है कि अगर वाइट है तो कन्फर्म है आयरन है ही नहीं और क्रोमियम भी नहीं है, तो अब बचा सिर्फ एल्यूमिनियम, उसको कन्फर्म करके बताना है एग्जामिनर को कि है या नहीं है। तो लेग टेस्ट कैसे लगा रहे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वो वाइट लिया, डाल दिया, पहले डाइल्यूट HCl डाला, कोई पीपीटी नहीं, समझ में आ गया सिर्फ फर्स्ट ग्रुप है ही नहीं, H2S पास किया, कोई पीपीटी नहीं, सेकंड ग्रुप भी नहीं है, थर्ड ग्रुप में मैंने डाला NH4OH तो एक वाइट पीपीटी आएगा, वाइट पीपीटी आ गया तो मेरे को कंफर्म हो रहा है कि एल्यूमिनियम है, क्योंकि वो क्या बनाया होगा उसने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने फिल्टर किया था, फिल्टर करके हमारे हाथ में एक पीपीटी आया था याद हो तो, उसको थैंक यू बोल के यहां रखा था। अब एल्यूमिनियम का टेस्ट करने के लिए हमने इसी पीपीटी को उठाया था, फिर टेस्ट ट्यूब में डाला था, पीपीटी को डालने के बाद इसमें HCl डाला था। अब HCl डालने के बाद ये HCl में एल्यूमिनियम सॉल्युबल हो गया था, यहाँ तक क्लियर है, रिएक्शन है एल्यूमिनियम की ऐसी हो रही है। तो अब एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन हो रही है तो एल्यूमिनियम प्लस 3 डिसॉल्व हो चुका था कंसंट्रेट HCl में, तो अंदर AlCl3 है यानी मीडियम एसिडिक है ये वाला, यहाँ तक क्लियर है। तो जब आप टेस्ट लगा रहे हो लेग टेस्ट, उस समय मीडियम क्या है आपका एसिडिक, ठीक है। अब इसमें डाला जाता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, क्या डाला जाता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लैब में पड़ी रहती है, 2 से 4 बूंद डाल दो, डिपेंड करता है, जैसे ही आप अंदर डालोगे तो मीडियम एसिडिक है, ब्लू लिटमस अपना कलर चेंज करके रेड में आ जाएगा, तो टेस्ट ट्यूब में आपको रेड सॉल्यूशन दिखने लग जाए। थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रेड डालना है तो थोड़ा और डाल दो ब्लू से, लिटमस ब्लू सॉल्यूशन, शेक करो इसको अच्छे से तो आपको रेड रेड दिखने लग जाएगा। इसके बाद इसमें डालो आप NH4OH,
NH4OH डालेंगे तो अंदर जैसे ही NH4 जाएगा तो HCl से न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा वो, और NH4OH जो होगा उससे एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो वाइट पीपीटी है, वो वाइट पीपीटी उस जो ब्लू लिटमस डाला था सॉल्यूशन, उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब करने लगेगा, और जब एड्सॉर्ब करने लगेगा तो इस टेस्ट ट्यूब के जस्ट ऊपर की तरफ, यहाँ देखो बिल्कुल जहाँ पानी होता है, ठीक है, उसके ऊपर की तरफ आपको एक ब्लू मास दिखाई देगा। ये ब्लू मास कहलाता है लेक। और ये ब्लू मास क्यों बना? बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ने उस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब किया है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाइट था, उस वाइट ने क्या करा, उस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया, इसलिए ब्लू मास दिखाई दे रहा है, वो ब्लू मास को लेक कहलाता है। एड्सॉर्प्शन से बनता है ये, वापस बोल देता हूँ, सिंपल था। पहले जो स्टार्टिंग से मैंने बोला वो प्रोसेस था, सॉल्ट से कैसे लगाते हैं। अब डायरेक्ट एल्यूमिनियम पर आ चुके हैं, एल्यूमिनियम का पीपीटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका था, HCl डाल के उसे सोल्यूबल कर लिया था, जिससे कि एल्यूमिनियम प्लस 3 है। एल्यूमिनियम प्लस 3 के सॉल्यूशन में डालोगे आप पहले ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया आपने तो तुरंत रेड हो जाएगा क्योंकि HCl था। फिर डालोगे NH4OH, NH4OH से एसिडिक मीडियम खत्म होना शुरू होगा और NH4OH से OH से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो वो ब्लू सॉल्यूशन जो डाला था लिटमस सॉल्यूशन उसको एड्सॉर्ब कर लेगा। एड्सॉर्ब करने के बाद आपको ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा, लेक। क्या दिखाई देगा? लेक। इसे लेक टेस्ट कहते हैं। सिंपल है ना, लेक टेस्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बोलो। अब कंफ्यूज मत हो ना जबरदस्ती, अगर हो तो एक दो बार रिकॉर्डिंग देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगला देखो क्रोमियम, अब क्रोमियम प्लस 3 की भी रिएक्शन वही है, पहले वो NS से कराएंगे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन पीपीटी एक्सिस में कराएंगे, तो क्रोमियम प्लस 3 है, एम्फोटेरिक था, ये आपका बनेगा ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से क्रोमियम प्लस 3 है, NH4OH से कराएंगे तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा ग्रीन। अब मुझे बताओ डी ब्लॉक है कि नहीं है? डी ब्लॉक तो है, अगर ये डी ब्लॉक है तो इसका मतलब क्या निकलता है, सॉल्युबल होगा। लेकिन क्रोमियम प्लस 3 का मैंने बोला था स्लाइटली सॉल्युबल है, तो यहां पर आपको ग्रीन पीपीटी लिखना पड़ेगा, और ग्रीन पीपीटी के बाद आपको लिखना पड़ेगा स्लाइटली सॉल्युबल इन NH4OH, एक्सिस ऑफ NH4OH, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप NH4OH डालेंगे तो स्लाइटली सॉल्युबल होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा HCr, पिंक और वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है ये, पिंक और वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब फिर से बोल रहा हूँ, ये आपका ग्रीन पीपीटी यहाँ पड़ा हुआ था, उसमें से थोड़ा सा उधर गया था, अभी भी ये दिख रहा है ऐसे कैसे ही, तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि आप ये सोल्यूबल हो गया। स्लाइटली सोल्यूबल मतलब ये थोड़ा सा बना है, तो पिंक और वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला देखो, क्रोमियम प्लस 3 के H2S से रिएक्शन कराए, मना किया था नहीं होगी, क्रोमियम प्लस 3 के H2S एसिडिक में करो, ये भी नहीं होगी, मैंने कहा था ना थर्ड ग्रुप के टाइन है, H2S से कैसे कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप से भी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको करवाना है तो मीडियम कौन सा चाहिएगा, बेसिक, बेसिक से कराओगे तो क्या बनेगा यहाँ Cr2H3, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइज होकर के ये बना देगा फाइनली क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S, याद आया। अब देखो अगला, अगर मैं यहीं पर आपको याद है एक Na2CO3 से भी करवाई थी रिएक्शन, आप ही बताओ, मुझे नहीं पता क्या करूं मैं इसमें, कार्बोनेट बनाऊं हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी हाइड्रोलाइज हो जाता है,
की पॉइंट याद कर लेना, देखो की पॉइंट से कट से रिएक्शन खत्म हो गई। यहाँ पे क्रोमियम प्लस थ्री की रिएक्शन अगर बेसिक एसीटेट से कराएं, सॉरी एसीटेट आयन से कराएं, तो बेसिक एसीटेट बनेगा ये। ग्रीन, क्रोमियम के सारे पीपीटी ग्रीन है, ये कलर ग्रीन पीपीटी बोल रहा हूँ, वो कलर था पिंक या वॉयलेट कलर सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन है मेरे भाई। डाउट आएगा साला, आपने कहा ग्रीन है वो तो पिंक कलर है, वो तो सॉल्यूशन है, मैं पीपीटी की बात कर रहा हूँ यार। ऐसे एल्यूमिनियम में मैंने बोला था सारे व्हाइट पीपीटी होते, वो तो लेक एक अलग कॉम्प्लेक्स बना था जिसके अंदर आपका एडसॉर्प्शन से वो ब्लू दिखाई दिया था, ओरिजिनल कलर तो जो थे व्हाइट ही थे ना। तो इस तरह से कंफ्यूज मत लेके आना, आपने तो कहा था सारे व्हाइट होते, लेक के अंदर तो जो अलग हो रहा था, कंफ्यूज कर रहे हो मैं। अरे कहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ, पीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो जबरदस्ती। ठीक है, तो नो कंफ्यूजन। ये आपका क्रोमियम भी समाप्त, क्रोमियम छोटा सा ही था। आयरन, आयरन की रिएक्शन जब हम आई माइनस से कराते थे, यहाँ खास बात मैंने उस दिन भी बताई थी जब कॉपर पढ़ा रहा था, कि Fe(I3) does not exist due to redox reaction, याद आया? तो ये Fe(I3) इससे रिएक्ट कराओगे तो Fe+2 बनेगा और ये I2 बना देगा, आई माइनस से ये रिएक्ट कर लेगा। एक बात आप ध्यान रखना, मैंने जो भी की पॉइंट बोला था, जैसे जब फर्स्ट ग्रुप पढ़ा रहा था तो मैंने की पॉइंट बोला था कि इसके लिए बोला था वो पीपीटी सॉल्युबल है उसके लिए। आपको एक डाउट आएगा, जैसे कैडमियम की KI से रिएक्शन कराई और मैंने बोला कि सर वो तो सॉल्युबल है इसलिए पीपीटी नहीं देगा, तो आपको डाउट आएगा कि सर कैडमियम KI से रिएक्ट करके सॉल्युबल कैसे हो सकता है, डी ब्लॉक है। आपने तो मना किया था कि डी ब्लॉक वाले आई माइनस के साथ सॉल्युबल नहीं होते, तो ये डाउट को यहाँ पर ऐसे बड़ा बड़ा करके क्रॉस करना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब डी ब्लॉक आई माइनस से रिएक्ट करके पीपीटी बनाए तो वो पीपीटी सॉल्युबल होगा नहीं होगा एक्सिस में, इसका की पॉइंट था, वो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए वापस से, एजी प्लस आई माइनस से रिएक्ट करके एजी आई बना रहा है, अब यार एजी आई का पीपीटी येलो है तो वो एक्सिस ऑफ KI सॉल्युबल है कि नहीं है, ये चेक कर रहे हैं हम। अब ये नहीं कह रहे हैं कि ये रिएक्ट करके ही नहीं बनाएगा कुछ, मेरा पॉइंट समझना, मैंने जो की पॉइंट लिखाया कैटायंस में कंफ्यूज मत होना, वो लिखाया था प्रेसिपिटेट्स के सॉल्युबल होने का। आप रिएक्शन के अंदर, जैसे एक सवाल और, Fe+3 आई माइनस रिएक्ट करा, Fe+2 I2 बना, इसका कोई पीपीटी नहीं आया है, क्यों, क्योंकि तो सॉल्युबल है यहां पर, मतलब सिर्फ रिएक्शन हुई है, ये कोई पीपीटी नहीं है, इसलिए इसका कलर भी नहीं लिख रहा मैं, पीपीटी भी नहीं लिख रहा, क्लियर। तो अगर सवाल आ जाए कि यार Fe I2 सॉल्युबल होता है, तो आंसर है यस। अब आप कहोगे सर डी ब्लॉक है, आई माइनस से रिएक्ट कर रहा, कैसे सॉल्युबल हो सकता है, आपने तो मना किया था की पॉइंट से। की पॉइंट में फिर बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना, रिएक्शन करेंगे फिर पीपीटी बनेगा, तो वो पीपीटी सॉल्युबल होगा नहीं होगा उसके बारे में था की पॉइंट। आया था ना डाउट, ये कैडमियम प्लस टू की आई माइनस से रिएक्ट कराई तो आपने कहा Cd(I2) सॉल्युबल है इसलिए पीपीटी नहीं बनेगा, टेस्ट नहीं देगा, ये क्रॉस कर देना डाउट। ठीक है, चलिए तो अगला बढ़ते हैं, रेडॉक्स हो गया ये, और नोट में यहाँ पर लिख भी लेंगे हम कि Fe(I3) does not exist due to redox। जिसको मैंने जो बोला समझ में नहीं आया उसको पॉज करके 2 से 3 बार सुनना, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बड़ा डाउट खत्म कर दिया मैंने। ये क्या होता है ना, अभी तो सुन लेते हो तुम नींद में, जब तुम सवाल सॉल्व करोगे ना सवाल में, फिर तुम नेतागिरी पर आओगे, सर ये भी आंसर जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तब फिर ये बातें याद आती है जो मैं बोल रहा हूँ। तो Fe(I3) does not exist due to redox। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब Fe+3 की CN- से कराते हैं, तो अब यहां देखो ये पीपीटी बना, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, मेनली ब्राउन होता है, रेडिश कम ब्राउन ज्यादा। अब ये था वो की पॉइंट जो मैं बोल रहा था, क्या ये पीपीटी है, हाँ, क्या ये डी ब्लॉक है, हाँ, क्या साइनाइड में सॉल्युबल होगा, हाँ, एक्सिस में, ये है वो की पॉइंट जो मैं बोल रहा था। येलो सॉल्यूशन,
मैं यहाँ पर साथ में इसकी Fe plus 2 की भी लिख देता हूँ। अगर Fe plus 2 होता तो ये बनता है FeCN whole twice, FeCN whole twice होता है येलोइश ब्राउन, और वो अगर एक्सिस में आएगा तो सॉल्युबल होकर के K4FeCN6 का पेल येलो सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? पेल येलो सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, H2S की, तो H2S के साथ देखो एक खास बात है, यहाँ पर यहां हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, ये येलो या व्हाइट टर्बिडिटी या पीपीटी बोल सकते हैं इसको। अगर आपको ये रिएक्शन याद आए तो हाँ बोलना। हमने कहा था जब कैटायन स्टार्ट किए थे तो बोला था कि बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ थर्ड ग्रुप कैटायन, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ थर्ड ग्रुप कैटायन, सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट मस्ट बी बॉइल, सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट मस्ट बी बॉइल फॉर रिमूवल ऑफ H2S गैस, क्योंकि H2S गैस अंदर जाती थी और वो Fe plus 3 को रिड्यूस कर देती, फिर हम डालते थे उसमें HNO3, वो HNO3 उसको रिड्यूस को ऑक्सीडाइज करता था। तो अगर आप Fe plus 3 में H2S पास करोगे तो रिड्यूस होगा ही होगा, पक्का है तो, ठीक है। अगला आएगा टेस्ट विद अमोनियम सल्फाइड। अब देखो यहाँ एक खास बात है कि ये वीक एसिड है, ये कंप्लीट सॉल्ट है, यहाँ पर भी सल्फाइड आयन है, लेकिन अब सल्फाइड आयन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो ये सल्फाइड इस Fe plus 2 से रिएक्ट करके FeS बनाएगा, तो हमारे पास दो पीपीटी बनेंगे इस बार, पहले सिर्फ एक ही बना था वाइट पीपीटी और ये सॉल्युबल फरा था कि ये रिएक्ट नहीं कर रहा H2S से, ये वीक एसिड था, सल्फाइड कम है, अमोनियम सल्फाइड लिया ज़्यादा सल्फाइड रिएक्ट करेगा तो यहाँ FeS plus S बनेगा। अब ये जो FeS है ये जो FeS है ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, और ये होता है आपका सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से याद करो। ये लिखवाया था मैंने रेडॉक्स के अंदर कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 जो होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स से, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स से, और अगर ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स से तो ये इसको सॉल्युबल कर रहे हैं। अब सॉल्युबल होने की रिएक्शन देखो आप, अगर आपको याद आए तो हाँ बोलना, H2S गैस बाहर आएगी, किप्स एपरेटस में होती थी ये रिएक्शन, कुछ कुछ याद आ रहा है, किप्स एपरेटस में जो H2S बनाई थी वो यहां से बनाई थी, ठीक। तो अब सवाल ये आएगा कि अगर FeS plus S है तो होगा क्या, ये होगा ब्लैक, ये होगा व्हाइट, ओवरऑल आपको पीपीटी नजर आ रहा है ब्लैक पीपीटी, तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 में डाला जाए, या ये ब्लैक प्रेसिपिटेट जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में डाला जाए तो इसको क्या होगा, ये तो हो जाएगा सोल्यूबल और सल्फर का व्हाइट या येलो पीपीटी दिखाई देगा, यानी कि इस ब्लैक पीपीटी को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया आपने, दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉरी ब्लैक प्रेसिपिटेट व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट कर दिया। आराम से सुनेंगे दोबारा, अमोनियम सल्फाइड था, ये Fe plus 2 था, Fe plus 3 था, यार एक तो है ना तुम लोग क्या करते हो ना पता है, ये 2 और 3 लिखे होते हैं ना उसको भी फोटो खींच के डाल देते हैं, अंडरस्टूड होता है Fe plus 3 का टेस्ट पढ़ रहे हैं, प्लस 3 की सल्फाइड से रिएक्शन हुई तो रिड्यूस हो रहा है प्लस 2, और सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर, ये प्लस 2 बचे हुए सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है FeS, ये ब्लैक होता है ये वाइट होता है, ये ब्लैक है ये वाइट है, ओवरऑल क्या दिखेगा ब्लैक। अब इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, इनका नाम बता दिया नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड,
रिएक्शन बता दी कि यार FeCl2 बनाता है, Fe और H2S उड़ जाती है। तो यानी जब इस पूरे पीपीटी के अंदर आप कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड या डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2S डालेंगे तो ये तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा और ये बचेगा सल्फर। यानी ब्लैक पीपीटी किस में दिखाई देगा आपको? व्हाइट। पैराग्राफ बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अगर अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराई जाए इसकी, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराई जाए अगर इसकी Fe+3 की H2S से, तो रिएक्शन के बाद जो है वो क्या बनता है? Fe2S3 ब्लैक प्रेसिपिटेट। अल्कलाइन मीडियम में अगर कराई जाए तो क्या बनता है? Fe2S3। और अगर इसको फिर से एसिडिफाइड किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा FeS+S में। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में ब्लैक। ठीक, अगला देख। अब वही बात है कि Fe+3 की रिएक्शन कराओ वापस किससे? Na2CO3 से, तो FeOH बनेगा और FeOH भी रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, Fe+3 की रिएक्शन अगर एसीटेट आयन से कराई थी, ये हमने वहाँ पढ़ी थी ढंग से, एसीटेट आयन में टेस्ट पूरा ढंग से पढ़ा था, टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3, तो आपके पास क्या बना था? ये Fe, ये ब्राउनिश रेड, यानी ब्राउनिश रेड पीपीटी। इसके बाद ये Fe की जो टेस्ट आती है वो इम्पोर्टेंट है आपके, किससे रिएक्शन करा रहे हैं बताओ? NaOH से और NH4OH से। जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा FeOH। इससे रिएक्ट कराएंगे तब भी FeOH, इससे कराएंगे तब भी FeOH, रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब यहाँ दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक्सिस में अगर कराएं, अगर आप एक्सिस ऑफ NaOH लेते हैं या एक्सिस ऑफ NH4OH लेते हैं, दोनों ही केस में इनसॉल्युबल है। अब आपको डाउट आएगा कि सर ये तो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक वाले तो इसमें सॉल्युबल होते हैं, आपने इनसॉल्युबल क्यों लिखा? फिर बताता हूँ, मैंने लिखवाया था कि डी ब्लॉक वाले साइनाइड और अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं पीपीटी, लेकिन Fe, मैंगनीज, मरकरी और Cr+3 इनसॉल्युबल थे। तो ये आपका Fe आ गया, तो ये NH4OH में भी सॉल्युबल है। इसी तरह से इसकी भी रिएक्शन अगर Fe+2 से कराई जाए तो सेम रिएक्शन ही होगी, बस कलर अलग आ जाएगा। FeOH2, इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन, एक्सिस में इनसॉल्युबल, एक्सिस में इनसॉल्युबल ये। ठीक है, अगला देखो, सिंपल है, की पॉइंट को अच्छे से याद करना, फिर से कोई डाउट आए तो जाके की पॉइंट को अच्छे से करना, अपने आप आएगा सब समझ में। Fe+2 की अगर थायोसाइनेट से कराते थे तो मैंने बताया था नो रिएक्शन, लेकिन अगर Fe+3 की अमोनियम थायोसाइनेट से कराते हैं, थायोसाइनेट कोई सा भी हो सकता है, सोडियम लो, अमोनियम लो, कोई भी, तो आपको सबको पता है यार कि FeSCN3 बनता था ब्लड रेड कलर। इसके बाद इसको डिसअपियर कैसे किया था ये भी मैंने बताया था, F- डाल दो डिसअपियर हो गया था, क्योंकि Fe F6-3- बना दिया था। ऑक्सैलिक एसिड डाल दो डिसअपियर हो गया था, मरकरी वाला डाल दिया था याद है, तो भी आपका डिसअपियर हो गया था, तो ये डिसअपियर हो जाता है खूनी लाल। और मैंने ये भी बताया था कि इसको जब भी लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से ही लिखना, क्योंकि इसी से सवाल बनेंगे ये।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्टिंक्शन हो जाता है आपका, डिस्टिंक्शन बिटवीन Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री, क्या हो जाएगा ये डिस्टिंक्शन बिटवीन Fe प्लस टू और Fe प्लस थ्री, क्यों हुआ, क्योंकि ये टेस्ट नहीं देगा ये दे देगा, तो दो टेस्ट ही वो आपको दे दे और कहे कि एक में Fe प्लस टू एक में Fe प्लस थ्री है, आपसे कहे कि बताओ किसमें Fe प्लस टू और किसमें Fe प्लस थ्री, तो आप थायोसाइनेट डाल दो, जिसमें Fe प्लस टू होगा वो कोई की चेंज नहीं होगा, जिसमें ब्लड रेड कलर आ गया वो Fe प्लस थ्री है, नोट करो। ठीक है, अब देखो इसमें यहां नोट एक बात आएगी बस, क्या नाइट्रेट एब्सेंट होना चाहिए इसमें, बिकॉज ये नाइट्रेट भी थायोसाइनेट से रिएक्ट कर सकता है, और ये एनो थायोसाइनेट, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल थायोसाइनेट बना देता है रेड कलर का, तो नाइट्रोसिल थायोसाइनेट बन जाएगा रेड कलर का, तो नाइट्रोसिल थायोसाइनेट अगर रेड कलर का बन जाएगा तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए नाइट्रेट मस्ट बी एब्सेंट होना चाहिए इस टेस्ट में। ठीक है, अब देखो अगला टेस्ट, टेस्ट भी आ रहा है आपका के फोर FeCN6 से, तो Fe प्लस थ्री की जब K4 FeCN6 से रिएक्शन कराएं तो आपके पास ये बनेगा Fe4 FeCN होल थ्री, और इसका जो नाम होता है वो आपको पता होना चाहिए प्रशियन ब्लू, और ये ब्लू BPT होता है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर NaOH डाल दें तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि NaOH से ये रिएक्ट करेगा तो ये तो बनाएगा FeOH होल थ्राइस, क्या ये एक्सिस में सॉल्युबल होगा NaOH में, नहीं, क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है, और साइड प्रोडक्ट जो बनेगा इसके साथ वो क्या बनेगा, ये Fe माइनस कितना आएगा बताओ, फोर, ये आपका रेडिश ब्राउन PPT। कल मैंने ऐसे कैसे एक और PPT बताया था चॉकलेट ब्राउन वाला, वो भी NaOH में डिकम्पोज हुआ था, याद आया, अच्छा ये NaOH में भी डिकम्पोज है, NH4OH में भी डिकम्पोज है, क्योंकि दोनों में ही PPT नहीं बनाएगा, दोनों में PPT सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आयरन का तो NH4OH में भी नहीं होता, कॉपर का हुआ था याद है, कॉपर ने कहा था कि वो हम क्या बोलेंगे डिसॉल्व, और यहां क्या बोलेंगे डीकंपोज। ठीक, अगर यहां पर एक्सिस में लिया जाए, नोट, इफ एक्सिस ऑफ K4Fe-CN6 लिया जाए देन सॉल्युबल प्रशियन ब्लू बनता है, सॉल्युबल प्रशियन ब्लू होता है Fe-FeCN, तो अगर एक्सिस में आप रिएजेंट लोगे तो आपका सॉल्युबल प्रशियन ब्लू बनेगा, और नॉर्मल रिएजेंट लोगे तो ब्लू PPT बन जाएगा, किसका, प्रशियन ब्लू का। ठीक है, अब ये प्रशियन ब्लू जो था इसकी खास बात क्या पता है, ऑक्सैलिक एसिड में सॉल्युबल था ये प्रशियन ब्लू, सॉल्युबल इन प्रशियन ब्लू जो था सॉल्युबल था इन ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड में सॉल्युबल होने के बाद जो ब्लू सॉल्यूशन बन जाता था वो ब्लू सॉल्यूशन पुराने जमाने में जो है वो ब्लू इंक, राइटिंग इंक के लिए यूज किया जाता था, पहले याद है इंक वाले पेन आते थे, तो क्या बोला मैंने दोबारा बताओ, प्रशियन ब्लू यानी ब्लू PPT ऑक्सैलिक एसिड में सॉल्युबल हो जाता है, और ऑक्सैलिक एसिड में सॉल्युबल होने के बाद जो ब्लू सॉल्यूशन बनता है उस ब्लू सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, राइटिंग इंक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राइटिंग, ये आपका प्रशियन ब्लू। ठीक है, राइटिंग, अब इसके बाद आता है इसके बाद Fe प्लस थ्री का रिएक्शन K3FeCN6 से, इससे कराएंगे तो ये आपका Fe
FeCN6 बना रहा है, देखो Fe+3 किससे कराएंगे तो डायरेक्ट Fe+3 आ जाएगा। ये होता है ब्राउन कलरेशन, ये PPT नहीं होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, ये ब्राउन कलरेशन होता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है। अब अगर इसमें आप H2O2 डाल दे तो ये अभी आपका ब्लू PPT बना देगा, और अगर SNCl2 डाल दे तब भी ब्लू PPT बन जाएगा। आप देख सकते हो कि ये इसको रिड्यूस कर देगा, ये भी इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करते ही चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और वापस से ये प्रशियन ब्लू ब्लू प्रेसिपिटेट में आ जाएंगे। अगर सेम रिएक्शन में Fe+2 की कराऊं K4FeCN6 से, सेम रिएक्शन है देखो आप Fe+2 की K4FeCN6 से, ये तो +2 में है तो Fe आएगा। ये भाई 4 था ना, ये 2 प्लस है तो 2 केट पोटेशियम रह गया, इसका कलर होता है वाइट और PPT है ये। और ये Fe+2 जो है अगर हम K3FeCN6 से कराएं तो यहाँ बनेगा आपका ये Fe3FeCN6, और इसका नाम होता है टर्नबुल्स फ्लूइड। टर्नबुल्स ब्लू, ये भी ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, ये भी क्या होता है ब्लू प्रेसिपिटेट, ये भी क्या है ब्लू प्रेसिपिटेट। अब एक खास बात आपको कोऑर्डिनेशन में मैंने बताई थी याद हो तो, कि प्रशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू, क्या बोला मैंने, प्रशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू बोथ आर आइडेंटिकल, हेंस दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर नहीं याद है तो वापस सुन लो, बताया है तो रिवाइज कर लो, नहीं बताया तो सुन लो। टर्नबुल्स ब्लू एंड प्रशियन ब्लू बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, हेंस दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद, बोलो, मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी PPT को आइडेंटिफाई करने वाली होती है, तो उससे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें हम एक कॉमन फॉर्मूले से लिखते हैं, इससे। तो कॉमन फॉर्मूले से जब लिखते हैं तो ये आपका देखो क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है। यहां पर जो आयरन है वो या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, यहां पर भी आयरन या तो +2 में हो सकता है या +3 में हो सकता है। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां से यहां ट्रांसफर हो जाए सपोज, तो ये +2 से अगर होगा तो +3 में आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां ट्रांसफर हो जाए तो ये +2 होगा तो ये +3 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही करता रहेगा। इसी ट्रांसफर को कहते हैं हम चार्ज ट्रांसफर, और ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मेटल टू मेटल, तो कलर जो आता है इसका वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, और चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो कलर आता है उसे हम कहते हैं, बोलो कौन सा, मेटल टू मेटल, यानी कि इसका नाम पड़ता है CTMM। क्या पड़ता है नाम बताओ, CTMM, चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। तो प्रशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू बोथ आर आइडेंटिकल, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेंस दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ कॉमन फॉर्मूला दिस। ठीक है, ये आपका ठीक। अगला देखो, इसमें अब हमसे बोला जाएगा कि यार Fe+2 है या Fe+3 है, इस Fe+3 को रिड्यूस करो आप +2 में, तो कुछ रिएजेंट है जो रिडक्शन बता रहे हैं। H2O2 आ जाए अगर बेसिक मीडियम में तो ये हमेशा रिड्यूस करेगा इसको Fe+2 में। Fe+3 आ जाए Na2O2, ये भी रिड्यूस करेगा इसको किस में, Fe+2 में। ये Na2O2 जब भी आप देखें तो Na2O2 आप जब भी देखें तो इसको हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही बनता है, ये भी NaOH+H2O2, देखो आप NaOH+H2O2, ठीक है, सेम रिएजेंट है, तो कभी ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे एक ही बात होगी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। इसी तरह से Fe+3 है, SN+2 भी रिड्यूस कर देगा तो SN+4 में आ जाएगा, I- कर देगा तो I2 में आ जाएगा, NH4OH कर देगा
NH2OH कर देगा तो N2 बना देगा रिड्यूस होकर, और ये Fe+2 में आ जाएगा। अगर हाइड्राजीन आया तो N2 में आ जाएगा, हाइड्राजीन आया तो N2 में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है एस कॉर्बिक एसिड, ये रिड्यूस हो जाएगा और Fe+2 में आ जाएगा। H2S से रिड्यूस कराएंगे तो सल्फर में आएगा, SO2 से रिड्यूस कराएंगे तो ये सल्फेट में आएगा, ऑक्सीडाइज होगा। इसका नाम क्या लिखोगे आप? एस कॉर्बिक एसिड से जब आप करवाओगे तो ये बनेगा डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। दो हाइड्रोजन निकल के देखो आप, तो डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ये SO2 से सल्फेट, ठीक है। अब इन तीनों को देखो कैसे याद किया मैंने, ये तीन ही कंफ्यूज करेंगे, बाकी तो सिंपल है यार। ये सब प्लस टू में आ रहे हैं, मतलब रिएक्शन ऐसे मत सोचना कि सर ने लिखी नहीं है। ये ठीक है, हाँ। तो मैं जो कह रहा था इसको कैसे याद रखेंगे, देखो NH2OH रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो N2O में जाएगा, ये N2 में जाएगा। अब आप एग्जाम में भूल जाओगे कौन सा तो N2 में गया था और कौन सा N2O में गया था, सर याद ही नहीं आ रहा। बहुत आसान है, जहाँ O है वहाँ O वाला प्रोडक्ट बना था, जहाँ O नहीं है वहाँ सिर्फ नाइट्रोजन बना था। इसका नाम तो पता ही, एस्कॉर्बिक एसिड है, AsCorbic, एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। बाकी के तो सल्फाइड से सल्फर बनता है, SO2 से सल्फेट बनता है, सबको पता है। तो ये रिडक्शन हो गया Fe+3 का, ठीक है। अगला देखो, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2, क्योंकि Fe+2 को भी ऑक्सीडेशन की बात जरूरत पड़ सकती है। O2 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HNO3 से हो जाएगा, ये एक्वारेजिया से हो जाएगा, ये Cl3- से हो जाएगा, Cl+4 से हो जाएगा। ये देखो, अब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये Fe+3 में, ये भी Fe+3 में, ये आपको पता ही है Fe+3 में ले जाएगा, ये किस में आएगा बताओ, NO++Cl, याद है माइनस, क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा ना इसको Cl2, ये किस में जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये रिड्यूस होगा, अब किस में आपको डाउट आएगा, Cl2 में जाएगा या Cl- में, तो यहाँ कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, Cl- में गया ये। Cr+4, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, +3 में चला जाएगा। Cr+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because Cr+3 is more stable than Cr+4। ये हम F block में पढ़ेंगे, तो ये +3 में जाने की इच्छा इसकी हमेशा रहेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से। ये आपके ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, नोट करो इनको फटाफट जल्दी से। हो गया, देखो अब इधर अगर हम यहाँ पर HNO3 ले ले, सॉरी HNO3 क्या, MnO4- ले ले, तो भी कर देगा वो, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसमें ले जाएगा, Fe+3 में। और अगर मैं यहाँ पर Fe+3 के साथ H2O2 ले लूँ एसिडिक मीडियम में, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये एसिडिक था, वो बेसिक था, वो क्या था, बेसिक, ठीक है। चलो लिखो इसको बड़ा, क्लियर। यहां पर अगर देखोगे तो NO बनेगा साइड प्रोडक्ट, यहां पर आप देखोगे तो क्या बनेगा, खुद ही बताओ। ये तो Fe+3 में गया तो O2 कहां जाएगी, H2O में। अगर बैलेंस करोगे तो H2O में जाएगी, कि H2O तो होगा, देखो जरा सोचो, ठीक है ना। ये NO में आ गया, इसको बताओ Cl, ये तो यार बता ही दिया मैंने, Cl- बहुत इंपॉर्टेंट है, ये Cr+3 में जा रहा है, यहाँ बताओ किस में जाएगा, ये MnO4-
एफ ई प्लस थ्री अगर एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कराएंगे, इससे तो पहले भी बताया था ये तो मैंने, एम एन प्लस टू एच टू ओ टू किस में जाएगा सोचो, एच टू ओ टू फटाफट एच टू ओ, ठीक, तो बैलेंस कर लेना इसको रेडॉक्स से, ये आपका थर्ड ग्रुप समाप्त। अगला आएगा फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में याद है जिंक प्लस टू जो था, नीकोमंजन, याद है नीकोमंजन, तो जिंक प्लस टू जब था तो उसके अंदर अपन ने क्या भेजा, H2S गैस इन बेसिक मीडियम, तो ZNS ही बना होगा, तो ZNS का जो PPT है वो सॉल्युबल होता है HCl में, बट इन सॉल्युबल इन, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl बट इन सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल है ये, ठीक है। तो अब जिंक की रिएक्शन की बात कर लेते हैं, पहला NaOH से, वापस वही है जिंक की आई माइनस से नहीं है, साइनाइड से नहीं है, क्योंकि सारे सॉल्युबल होंगे, जिंक के सारे पीपीटी वाइट, की पॉइंट दे दिया भैया, जिंक के सारे प्रेसिपिटेट वाइट होंगे आपके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका जिंक आ गया NaOH से रिएक्ट करके, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट है, एक्सेस में सॉल्युबल होगा नहीं होगा, होगा, पूछो क्यों, एम्फोटेरिक है यार, सॉल्युबल होगा नहीं होगा, होगा, पूछो क्यों, अरे एम्फोटेरिक है। अब इसी एम्फोटेरिक में H2S पास कर देंगे तो ये ZNS वापस आ जाएगा, यानी कि ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा ये बताओ, इम्परफेक्ट, क्या होगा, इम्परफेक्ट। इसी तरह से जिंक प्लस टू की अगर रिएक्शन NH4OH से कराई जाए तो आपका वापस से ZNOH4 बनेगा, ये एक्सिस आएगा, ये प्लस टू बनेगा, H2S से कराएंगे तो ZNS, और ये आपका जो जिंक NH3O4 प्लस टू आया H2S से, ये भी इम्परफेक्ट हो गया क्योंकि ये रिएक्शन दे रहा है इसके साथ, ठीक है। अब ZN प्लस टू की रिएक्शन जब H2S से कराएंगे तो मैंने आपको बोला था क्या पार्शियल प्रेसिपिटेशन आता था जिंक का, याद हो तो, लेकिन अगर बेसिक में कराओगे तो बोलो, बेसिक में कराओगे तो वो तो कंप्लीट पीपीटी आएगा ना ZNS। अच्छा एक बात और सुनो, ZNS का कलर तो वाइट है, सारे पीपीटी वाइट है, इसका नाम लेकिन ब्लैक जैक्स होता है, क्या होता है, ब्लैक जैक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। जिंक प्लस टू की रिएक्शन अगर Na2CO3 से कराते हैं तो बेसिक जिंक कार्बोनेट बनता है, बेसिक जिंक कार्बोनेट भी वाइट ही होगा, इसको अगर हीट कर दें तो ये ZNO प्लस CO2 प्लस H2 में आ जाता है, ये आपका ZNO जो होता है वो आपका फिलोसोफर्स वूल कहलाता है, क्या कहलाता है, फिलोसोफर्स वूल, क्या कहलाता है, फिलोसोफर्स वूल, तो ये फिलोसोफर्स वूल हो गया ZNO। इस ZNO की भी खास बात है, ZNO जो है वो कोल्ड कंडीशन में, मैं यार नीचे लिख देता हूँ कंफ्यूज नहीं होता, कि कोल्ड में तो वाइट होगा और हॉट में ये येलो हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इसका एक ऑब्जर्वेशन, यानी कि पैराग्राफ में जिंक को पहचानने के लिए एक हिंट है कि ऐसा ऑक्साइड जो हीटिंग पर येलो हो जाता है, इनिशियली वाइट होता है, तो बताओ कौन होगा, तो उससे पकड़ में आ जाएगा खड़ाक से जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोसोफर्स वूल क्यों कहते हैं, क्योंकि वुली अपीरियंस, फ्लो की वुली अपीरियंस देता हुआ ये बाहर निकलता है जमीन में से, इसलिए इसका नाम हो जाता है फिलोसोफर्स
वूल। अगला देखो, जिंक प्लस टू की अगर हम फॉस्फेट से रिएक्शन कराएं, एक तो होता है इन प्रेजेंस ऑफ या इन एब्सेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और एक और आपका इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो अगर एब्सेंस होगा तो डायरेक्ट फॉस्फेट बन जाएगा, और प्रेजेंस होगा तो अमोनियम वाला बन जाएगा। अच्छा पीपीटी बताओ कौन से कलर होंगे, व्हाइट, सारे जिंक के व्हाइट, तो ये भी दोनों व्हाइट होंगे। अच्छा एम्फोटेरिक है इसलिए सॉल्युबल हो जाएंगे NaOH में दोनों के दोनों, दोनों के दोनों सॉल्युबल होंगे किसमें, सॉल्युबल इन NaOH, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, सॉल्युबल इन NaOH, ठीक है। जिंक प्लस टू की रिएक्शन अगर K4FeCN6 से कराएं तो ये बनता आपका K2ZN3FeCN6 2, या 8 माइनस हो गए क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर 4 माइनस है। अगर ये 8 माइनस हो गए तो आप देख सकते हो जिंक पर कितना चार्ज आएगा, प्लस 2 का, 3 और 2 प्लस कितने होंगे 6 प्लस, और ये 2 प्लस 8 प्लस, तो बराबर बैलेंस हो गया वाइट। इसका एक तरीका और होता लिखने का ZN2FeCN6, वाइट प्रेसिपिटेट है ये, सॉल्युबल होता है NaOH में, किसमें NaOH में, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई बहुत, इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन का जो यूज है वो हम कर सकते हैं आपके जिंक एंड एल्यूमिनियम में, किस किस में इसका जो यूज करेंगे वो जिंक एंड एल्यूमिनियम को डिस्टिंक्शन में कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, सारे एम्फोटेरिक मतलब एम्फोटेरिक की रिएक्शन आपको नजर आएंगी सारी, तो वो एक हिंट दे सकता है कि ऐसा कैटायन जो इससे रिएक्ट करके वाइट पीपीडी बनाता है K4FeCN6 से, तो आप बता देंगे। ठीक है, अगला देखो, मैंगनीज, चलिए तो अगला आता है MN। MN जो है वो रिएक्ट करेगा H2S इन बेसिक वीडियो में, तो आपको पता है MNS का पीपीटी आएगा, MNS का जो पीपीटी होता है पिंक या बफ कलर होता है, बफ कलर जो होता है वो कैमल येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड, तो ये डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, इसका मतलब समझते हो आप, ये डिस्टिंक्शन हो गया ZNS और MNS में, MNS सॉल्युबल हो जाएगा एसिटिक एसिड में जबकि ZNS सॉल्युबल नहीं होगा। अब देखो इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम NaOH से, तो ये बनता है आपका मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, ये मैंगनीज हाइड्रोक्साइड पिंक या वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब ये जो होता है एक्सिस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होगा, एक्सिस ऑफ NaOH में क्या रहेगा, इनसॉल्युबल, क्यों, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है। ठीक है, अब देखो ये अगर हम इसकी ये जो MnOH होल्ड वाइज होता है पिंक, अगर ये थोड़ी देर रखा रहता है तो ये एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है रिएक्शन ये होती है स्लो, जबकि अगर आप चाहो फास्ट कराना होगा तो आप इसमें H2O2 डाल दो, H2O2 डालने पर आपके रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब Mn+2 की रिएक्शन अगर हम कराएं किससे, NH4OH से, तो रिएक्शन में वापस वही बनेगा आपका क्या, MnOH होल्ड टू का वही पिंक या वाइट पीपीटी आएगा। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो ये डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक जो होता है वो डी ब्लॉक इसके अंदर
एक्सिस ऑफ एन एच फोर एच पे सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन एम एन सोल्यूबल नहीं होगा। मैंने लिखा था चार इनसोल्यूबल थे, पहला एम एन, क्रोमियम, आयरन और मरकरी, ये सब इनसोल्यूबल थे, तो ये इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, तो क्या लिखे यहाँ पर, इनसोल्यूबल इन, बोलो, एक्सिस ऑफ रिएजेंट बट सोल्यूबल होता है इन अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट में सॉल्युबल होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पर होगा। देखो ये इक्विलिब्रियम पर होगा तो इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा। अगर आप अमोनियम के टाइम बढ़ाएंगे ली शार्टली प्रिंसिपल से तो इक्विलिब्रियम की वजह से ये पीछे आ जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा ये वाइट। ठीक है, ये आपका पिंक वाइट प्रेसिपिटेट है। अब बात करते हैं अपन Mn+2 की। तो यार Mn+2 H2SO4 से रिएक्ट करेगा नहीं, पूछोगे क्योंकि H2 सेकंड ग्रुप रिएजेंट है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में लोगे तो भी रिएक्ट नहीं करेगा, पूछोगे क्यों, क्योंकि सेकंड ग्रुप रिएजेंट है ये। क्या है ये, सेकंड ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, इसी तरह से एमएन की अगर बात करें अमोनियम सल्फाइड से तो रिएक्शन हो जाएगी, वो बना देगा MnS। MnS का मैंने अभी बताया था पिंक या बफ कलर होता है, और पिंक और बफ कलर मतलब होता है, बफ कलर मतलब कैमल येलो कलर, या तो ऐसा दिखेगा या वैसा दिखेगा। ठीक है, अगर Mn+2 की रिएक्शन अगर अपन H2S से करें बेसिक मीडियम में तब से रिएक्शन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है फोर्थ ग्रुप रिएजेंट है। ठीक, Mn+2 की रिएक्शन अगर हम फॉस्फेट से कराएं जैसा अभी जिंक में करवाई थी, अगर हम लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो आपका बनेगा वही Mn3PO4H2, और एक होगा इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो अगर प्रेजेंस की बात करेंगे तो आपकी ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात जो कर रहे हैं, ये कलर भी पिंक होगा, ये भी पिंक होगा। ठीक है, पिंक प्रेसिपिटेट। अब देखो यहां पर मैंगनीज की बात करें तो MnS जो है इनसॉल्यूबल होता है, सॉरी सॉल्यूबल होता है डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड में, लेकिन जो आपके अगले आएंगे NiS और COS ये दोनों ही इनसॉल्यूबल है। अब किसमें, इनसॉल्यूबल इन एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl बट सॉल्यूबल इन एक्वारेजिया। सोल्यूबल किसमें होते हैं, एक्वारेजिया में, ये दोनों सोल्यूबल होते हैं एक्वारेजिया में। तो अब इनकी रिएक्शंस आएंगी, Nc+2 की रिएक्शन देखो। लेकिन उससे पहले एक चीज आप ध्यान देना, ये जो Mn+2 है, इस Mn+2 को MnO4- में कन्वर्ट करने वाले रिएजेंट कौन कौन से हैं। पहला देखो, अगर ये Mn+2 है और आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये इसको MnO4 में ले जाएगा, ये पर ऑक्सो डाइथायोनेट, तो इसको ले जाएंगे तो ये भी MnO4 में आएगा और सल्फेट में आ जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे NaBiO3 तो भी आपका ये MnO4- में ले जाएगा और ये आएगा Bismuth+3 में। ठीक है, अगर आप Mn+2 की रिएक्शन IO4- से कराएंगे तो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद चला जाएगा IO3-। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। यहां पर देखो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है, PbO2 में बताया था +4 में होता है, तो +4 से आपके +2 में जाने की इच्छा रखता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर भी बिस्मिथ +5 है, +5 वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसलिए +3 में जाने की इच्छा रखता है, तो ये +3 में जाएगा। अब डाउट क्या आता है कि वो आलेगा बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, और बेवकूफ बनाने के लिए वो यहाँ बिस्मिथ लिख देगा। अब आपको ऐसा फील आएगा कि यार +5 से बिस्मिथ बना है या ऑक्सीडाइज हुआ, रिएक्शन तो सही है, तो ध्यान रखना +5 से +3 में जाएगा बिस्मिथ पहले, ये रिएक्शन गलत करवाता है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन आपको गलत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला देखो,
निकल प्लस टू, निकल प्लस टू में NIS होगा जो कि मैंने बताया कि एक्वारेजिया में इसकी एक सिंपल रिएक्शन होती है डीएमजी से, ये डीएमजी से अमोनिकल सॉल्यूशन ये जो निकल प्लस टू है वो डीएमजी से रिएक्ट करके अमोनिकल सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट बना देता है, क्या बना देता है रोजी रेड। और ये जो है वो निकल कैटायन का टेस्ट है, तो आपसे सवाल में बेवकूफ बनाएगा वो कि निकल शीट पर जब डीएमजी गिर जाए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि निकल कैटायन का टेस्ट है, ये निकल शीट का टेस्ट नहीं है, शीट में तो एटम होंगे, एटम होंगे तो ये नहीं करेगा। क्लियर सबको? अब देखो आगे इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं Fe प्लस टू, क्योंकि Fe प्लस टू DMG से रिएक्ट करके वो भी रेड कलर देगा। बिस्मिथ प्लस थ्री भी आपका DMG से रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट देता है, और कोबाल्ट जो है वो भी आपका इससे रिएक्ट करके DMG से ब्राउन कलरेशन देता है। तो ये आपके तीन इंटरफियरिंग रेडिकल होते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, चलो कोबाल्ट प्लस थ्री, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। अगला देखो अब कोबाल्ट प्लस टू, इनके निकल और इनके एक एक टेस्ट ही है भाई, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारे। कोबाल्ट प्लस टू एक ही टेस्ट देता है, ये भी टेस्ट विद KNO2 से। कोबाल्ट प्लस टू जब NO2 माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये NO2 माइनस खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में। अब ये कोबाल्ट प्लस थ्री फिर रिएक्ट करता है किससे, रिमेनिंग NO2 माइनस से, और रिमेनिंग इससे करता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स K3CONO2 होल 6, इसको बोलते हैं अपन फिशर सॉल्ट, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, बोलते हैं अपन फिशर सॉल्ट, और ये क्या होता है येलो प्रेसिपिटेट। ये देखो KNO2 से टेस्ट था तो इसलिए K आ रहा है, ये K प्लस तो हर जगह ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कोबाल्ट भी एक ही टेस्ट था, समाप्त। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट के अंदर मैंने फिफ्थ वाला पहले ही पढ़ा दिया था, याद हो तो सिक्स्थ फिफ्थ पहले हो गए थे, जीरो पहले हो गया था, फिर वन टू फोर फाइव तक चले अपन, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी सॉल्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एलम, ये जो एलम होती है देखो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाया था, तो एलम एक डबल सॉल्ट होती है, अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देती है, याद है, यही वो एलम है। अब एलम जो होती है उसका देखना जरा, एम फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको आप कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो, एम एम डैश एसओ फोर होल ट्वाइस डॉट ट्वेंटी एच ट्वेल्व एस टू। ठीक है, जहां पर ये जो एम होगा ये होगा मोनोवेलेंट कैटायन, और मोनोवेलेंट कैटायन जो होता है वो एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस सी एस प्लस और एन एच फोर प्लस ले सकते हैं। एम डैश जो होगा वो फिक्स है, वो ट्राइवेलेंट, अगर ट्राइवेलेंट कैटायन नहीं है तो वो एलम नहीं होगी, यानी कि उसे स्यूडो एलम कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी प्लस टू वाला अगर लिख दिया और एलम जैसा दिखाने की कोशिश किया तो आप उसको बोलेंगे स्यूडो एलम है, एलम नहीं है। एलम तभी होगी जब ये मोनोवेलेंट और ये ट्राइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट कैटायन, जैसे स्कैंडियम प्लस थ्री, एफ ई प्लस थ्री, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, सी आर प्लस थ्री, ये कहलाते हैं आपके ट्राइवेलेंट, ये क्या कहलाते हैं ट्राइवेलेंट। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, अब अगर आपसे पूछा जाए कि नोट करके कि लिथियम प्लस मोनोवेलेंट में यूज करेंगे क्या, तो आंसर है डज नॉट यूज। लिथियम को कभी भी हम नहीं कर सकते मोनोवेलेंट के टाइम में एज अ एलम, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन देखो,
अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो मेटल है वो टोटल मेटल चार है और वाटर कितने यहां पर 24, से एक के पास कितना आया 6, देख सकते हो आप, ये 12 ले रहा है, ये भी 12 ले रहा है, यानी कि ऐसा कैटायन ही एलम बनाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6, लिथियम नहीं ले सकता 6 क्योंकि लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो लिथियम कभी भी मोनोवेलेंट कैटायन के फॉर्म में यहां नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए एलम कैसे लिखते हैं, एलम का नाम, नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलम का जो नाम लिखते हैं वो देखना कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखना है और इनका सबका नाम लिखना है। नाम लिखने का एक सिंपल रूल है, अगर ट्राइवेलेंट कैटायन एल्यूमिनियम हो तो नाम मोनोवेलेंट के नाम से दिया जाता है, तो मोनोवेलेंट का जो नाम है वो क्या आएगा, पोटाश एलम। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका नाम क्या आएगा, एल्यूमिनियम है वापस से, तो नाम क्या बनेगा, अमोनियम एलम। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अब ध्यान देना, ट्राइवेलेंट कैटायन अगर एल्यूमिनियम हो तो नाम मोनोवेलेंट से देते हैं, लेकिन ट्राइवेलेंट अगर कोई और हो तो नाम ट्राइवेलेंट से देते हैं, इसका नाम पड़ जाएगा क्रोम एलम। इसका नाम देखेंगे हम तो फेरिक एलम। क्लियर, तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी तो पोटाश एलम, इसका नाम अमोनियम एलम, इसका नाम क्रोम एलम और इसका नाम फेरिक एलम। तो यानी अगर मैं पोटाश एलम बोलता हूं तो ये फिक्स हो जाता है कि ट्राइवेलेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम और मोनोवेलेंट है पोटेशियम। लेकिन मैं क्रोम एलम बोलता हूं तो ये फिक्स हो रहा है सिर्फ कि क्रोमियम ट्राइवेलेंट है, मोनोवेलेंट का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम अमोनियम सोडियम कोई भी। ठीक, अब जब बात आती है इसके हीटिंग इफेक्ट की, हीटिंग इफेक्ट आप देखो K2SO4.24H2, इसको हीट करोगे आप तो स्वेलिंग आएगी। पहले तो स्वेलिंग क्यों आएगी, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलेगा ये 24, तो 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकला तो ये K2SO4.L2SO4H3 बन गया। अब इसे और हाई टेम्परेचर देंगे तो ये आपका K2SO4 तो नहीं टूटेगा क्योंकि आयनिक होता है, लेकिन L2SO4 टूट गया L2O3 और SO3 में। और ये जो बना वो क्या बना, एमोर्फस पाउडर। ये एमोर्फस पाउडर हिंट देगा आपको कि यार ये एक्स सॉल्ट जो है वो एलम है। यानी अगर मैं एक्स करके हीटिंग कर दूं और बोल दूं एक सॉल्ट, और फिर बोल दूं कि यार वो सॉल्ट कौन सा होगा, अगर हीटिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एमोर्फस पाउडर है, तो आंसर दोगे आप एलम। अब देखो इसको सॉल्ट से कैसे कनेक्ट करेगा, आपने नोट किया ट्राइवेलेंट में मैंने जो लिखे थे, ट्राइवेलेंट में लिखे थे उसमें स्कैंडियम था, फिर Fe था, फिर एल्यूमिनियम था, फिर क्रोमियम तक, एल्यूमिनियम क्रोमियम और Fe थर्ड ग्रुप के टाइन आ गया, तो थर्ड ग्रुप से कनेक्ट करेगा कैसे करेगा, देखो X कंपाउंड, X कंपाउंड दे दिया, हीटिंग दे दिया, और हीटिंग के बाद उसने लिखा यहां एमोर्फस पाउडर। तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, यार X तो एलम हो सकती है, लेकिन अब इसमें कैटायन पूछ रहा है कौन सा होगा, तो कैटायन के लिए उसने दे दिया फ्लेम टेस्ट और लाइलेक कलर दे दिया। यहां अगर फ्लेम टेस्ट दे दिया और लाइलेक कलर दे दिया तो आप खट से बोल दोगे पोटेशियम, और यहां दे दिया उसने Na2O2, ठीक है, और बोल दिया वाई, और ये वाई दे दिया उसने येलो सॉल्यूशन। अब आपको बताना है तो दिमाग लगाते हैं। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि Na2O2 जब भी होता है
तो उसको आप NaOH प्लस H2O2 मानो। अभी H2O2 ऐसा होगा जो ऑक्सीडाइज करेगा, तीन कैटायन थे, एल्यूमिनियम हो सकता है, Fe हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। क्या एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। Fe प्लस 3 होगा? नहीं। क्रोमियम हो सकता है? यस। यानी कि यहाँ क्रोमियम प्लस 3 जो रहा होगा वो इस H2O2 से ऑक्सीडाइज हुआ होगा क्रोमियम प्लस 6 में। और क्रोमियम प्लस 6 जो बेसिक मीडियम रहता है, उस बेसिक मीडियम में आपको पता है क्रोमेट में रहता है, ये बना होगा क्रोमेट, और इसी क्रोमेट का कलर होता है येलो। और ये जो क्रोमेट दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, D3S हाइब्रिडाइजेशन। और जो डी होते हैं वो DXY, YZ और ZX होते हैं, नॉन एक्सियल डी हैं ये। क्या है ये? नॉन एक्सियल। तो इस तरह से ये कनेक्ट कर सकता है आपके अंदर कि सॉल्ट एनालिसिस से एलम कैसे कनेक्ट हुआ। ठीक, ये आपका पूरा सॉल्ट एनालिसिस खत्म हुआ। इसको अच्छे से लर्न करना, कोई कंजूसी मत करना। होमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, उसे आप कोशिश करें पूरा करने की, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। MN जो है वो रिएक्ट करेगा H2S इन बेसिक मीडियम में, तो आपको पता है MNS का PPT आएगा। MNS का जो PPT होता है पिंक या बफ कलर होता है, बफ कलर जो होता है वो कैमल येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड। तो ये डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, इसका मतलब समझते हो आप? ये डिस्टिंक्शन हो गया ZNS और MNS में। MNS सॉल्युबल हो जाएगा एसिटिक एसिड में, जबकि ZNS सॉल्युबल नहीं होगा। अब देखो इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम NaOH से, तो ये बनता है आपका मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। ये मैंगनीज हाइड्रोक्साइड पिंक या वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब ये जो होता है एक्सिस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होगा। एक्सिस ऑफ NaOH में क्या रहेगा? इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। अब देखो ये अगर हम इसकी, ये जो MnOH होल्डोइज होता है पिंक, अगर ये थोड़ी देर रखा रहता है तो ये एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडाइज होकर के हाइड्रेटेड मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है रिएक्शन ये होती है स्लो, जबकि अगर आप चाहो फास्ट कराना होगा तो आप इसमें H2O2 डाल दो। H2O2 डालने पर आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब Mn+2 की रिएक्शन अगर हम कराएं किससे? NH4OH से, तो रिएक्शन में वापस वही बनेगा आपका क्या? MnOH2। MnOH2 का वही पिंक या वाइट PPT आएगा, ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो ये डी ब्लॉक था। डी ब्लॉक जो होता है वो डी ब्लॉक इसके अंदर एक्सिस ऑफ NH4OH पे सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन MN सॉल्युबल नहीं होगा। मैंने लिखा था चार इनसॉल्युबल थे, पहला MN, क्रोमियम, आयरन और मरकरी, ये सब इनसॉल्युबल थे, तो ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो क्या लिखे यहाँ पर? इनसॉल्युबल इन, बोलो, एक्सिस ऑफ रिएजेंट बट सॉल्युबल होता है इन अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट में सॉल्युबल होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पर होगा। देखो ये इक्विलिब्रियम पर होगा तो इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा। अगर आप अमोनियम के टाइम बढ़ाएंगे ली शार्टली प्रिंसिपल से तो इक्विलिब्रियम की वजह से ये पीछे आ जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा ये वाइट, ठीक है। ये आपका पिंक वाइट प्रेसिपिटेट है। अब बात करते हैं Mn+2 की। तो यार Mn+2 H2S से रिएक्ट करेगा नहीं, पूछोगे क्योंकि H2S सेकंड ग्रुप रिएजेंट है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में लोगे तो भी रिएक्ट नहीं करेगा, पूछोगे क्योंकि सेकंड ग्रुप रिएजेंट है ये। क्या है ये? सेकंड ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। इसी तरह से MN की अगर बात करें अमोनियम सल्फाइड से तो रिएक्शन हो जाएगी, वो बना देगा MnS। MnS का मैंने अभी बताया था पिंक या बफ कलर होता है, और पिंक और बफ कलर मतलब होता है, बफ कलर मतलब कैमल येलो कलर, या तो ऐसा दिखेगा या वैसा दिखेगा, ठीक है। अगर Mn+2 की रिएक्शन अगर अपन H2S से करें बेसिक मीडियम में तब से रिएक्शन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है फोर्थ ग्रुप रिएजेंट है, ठीक। Mn+2 की रिएक्शन अगर हम फॉस्फेट से कराएं जैसा अभी जिंक में करवाई थी, अगर हम लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो आपका बनेगा वही Mn3PO4 होल 2,
और एक होगा इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो अगर प्रेजेंस की बात करेंगे तो आपके ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात जो कर रहे हैं, ये कलर भी पिंक होगा, ये भी पिंक होगा, ठीक है, पिंक प्रेसिपिटेट। अब देखो यहां पर मैंगनीज की बात करें तो MnS जो है इनसॉल्युबल होता है, सॉरी सॉल्युबल होता है डाइल्यूट HCl एंड एसिटिक एसिड में, लेकिन जो आपके अगले आएंगे NiS और COS, ये दोनों ही इनसॉल्युबल है। अब किसमें इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट HCl, बट सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। सोल्युबल किसमें होते हैं? एक्वारेजिया में। ये दोनों सोल्युबल होते हैं एक्वारेजिया में। तो अब इनकी रिएक्शंस आएंगी, निकल प्लस टू की रिएक्शन देखो। लेकिन उससे पहले एक चीज आप ध्यान देना, ये जो Mn प्लस टू है, इस Mn प्लस टू को MnO4 माइनस में कन्वर्ट करने वाले रिएजेंट कौन कौन से हैं? पहला देखो, अगर ये Mn प्लस टू है और आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें, PbO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये इसको MnO4 में ले जाएगा, टेट्राथायोनेट, ये परऑक्सो डाइथायोनेट, तो इसको ले जाएंगे, तो ये भी MnO4 में आएगा और सल्फेट में आ जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे NaBiO3, तो भी आपका ये MnO4 माइनस में ले जाएगा और ये आएगा बिस्मिथ प्लस 3 में। ठीक है, अगर आप Mn प्लस टू की रिएक्शन IO4 माइनस से कराएंगे तो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद चला जाएगा IO3 माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। यहां पर देखो आप इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है, PbO2, PbO2 में बताया था प्लस फोर में होता है, तो प्लस फोर से ही आपके प्लस टू में जाने की इच्छा रखता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर भी बिस्मिथ प्लस फाइव है, प्लस फाइव वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए प्लस थ्री में जाने की इच्छा रखता है, तो ये प्लस थ्री में जाएगा। अब डाउट क्या आता है कि वो आएगा बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, और बेवकूफ बनाने के लिए वो यहाँ बिस्मिथ लिख देगा। अब आपको ऐसा फील आएगा कि यार प्लस फाइव से बिस्मिथ बना है या ऑक्सीडाइज हुआ, रिएक्शन तो सही है, तो ध्यान रखना प्लस फाइव से प्लस थ्री में जाएगा बिस्मिथ पहले, ये रिएक्शन गलत करवाता है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ अब रिएक्शन आपको गलत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला देखो, निकल प्लस टू, निकल प्लस टू में NiS होगा जो कि मैंने बताया था एक्वारेजिया में, इसकी एक सिंपल रिएक्शन होती है DMG से, ये DMG से अमोनिकल सॉल्यूशन ये जो निकल प्लस टू है वो DMG से रिएक्ट करके अमोनिकल सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? रोजी रेड। और ये जो है वो निकल कैटायन का टेस्ट है, तो आपसे सवाल में बेवकूफ बनाएगा वो कि निकल शीट पर जब DMG गिर जाए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि निकल कैटायन का टेस्ट है ये निकल शीट का टेस्ट नहीं है। शीट में तो एटम होंगे, एटम होंगे तो ये नहीं करेगा। क्लियर सबको? अब देखो आगे, इस टेस्ट को इंटरफेयर करते हैं Fe प्लस टू, क्योंकि Fe प्लस टू DMG से रिएक्ट करके वो भी रेड कलर देगा। बिस्मिथ प्लस थ्री भी आपका DMG से रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट देता है, और कोबाल्ट जो है वो भी आपका इससे रिएक्ट करके DMG से ब्राउन कलरेशन देता है। तो ये आपके तीन इंटरफियरिंग रेडिकल होते हैं। इसको नोट करो, ठीक है। चलो कोबाल्ट प्लस थ्री, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अगला देखो, अब कोबाल्ट प्लस टू, इनके निकल और इनके एक एक टेस्ट ही है भाई, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारे। कोबाल्ट प्लस टू एक ही टेस्ट देता है, ये भी टेस्ट विद
KNO2 से, कोबाल्ट प्लस टू जब NO2 माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये NO2 माइनस खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में। अब ये कोबाल्ट प्लस थ्री फिर रिएक्ट करता है किससे, रिमेनिंग NO2 माइनस से, और रिमेनिंग इससे करता है और बनाता है कॉम्प्लेक्स K3CONO2 होल 6, इसको बोलते हैं अमन फिशर सॉल्ट, और ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। बोलते हैं अपन फिशर सॉल्ट, और ये क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट। ये देखो KNO2 से टेस्ट था तो इसलिए K आ रहा है, ये K प्लस तो हर जगह ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कोबाल्ट भी एक ही टेस्ट था। हाँ, अब देखो यहाँ पे सॉल्ट के अंदर मैंने फिफ्थ वाला पहले ही पढ़ा दिया था, याद हो तो सिक्स्थ फिफ्थ पहले हो गए थे, जीरो पहले हो गया था, फिर 1, 2, 4, 5 तक चले अपन, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी सॉल्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एलम। ये जो एलम होती है, देखो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाया था, तो एलम एक डबल सॉल्ट होती है, अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन का टेस्ट देती है, याद है यार, यही वो एलम है। अब एलम जो होती है उसका देखना जरा, एम फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको आप कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो, एम एम डैश SO4 होल ट्वाइस डॉट 20H 12H2O, ठीक है। जहां पर ये जो M होगा ये होगा मोनोवेलेंट केटायन, और मोनोवेलेंट केटायन जो होता है वो Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस और NH4 प्लस ले सकते हैं। M डैश जो होगा वो फिक्स है, वो ट्राइवेलेंट, अगर ट्राइवेलेंट केटायन नहीं है तो वो एलम नहीं होगी, यानी कि उसे स्यूडो एलम कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी प्लस टू वाला अगर लिख दिया और एलम जैसा दिखाने की कोशिश किया तो आप उसको बोलेंगे स्यूडो एलम है, एलम नहीं है। एलम तभी होगी जब ये मोनोवेलेंट और ये ट्राइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट केटायन, जैसे स्कैंडियम प्लस थ्री, एफ ई प्लस थ्री, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, सी आर प्लस थ्री, तो ये कहलाते हैं आपके ट्राइवेलेंट। ये क्या कहलाते हैं, ट्राइवेलेंट, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, अब अगर आपसे पूछा जाए कि नोट करके कि लिथियम प्लस मोनोवेलेंट में यूज करेंगे क्या, तो आंसर है डज नॉट यूज। लिथियम को कभी भी हम नहीं कर सकते मोनोवेलेंट के टाइम में एज अ एलम, क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन देखो। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मेटल है वो टोटल मेटल चार है, और वाटर कितने यहाँ पर 24, से एक के पास कितना आया, 6, देख सकते हो आप, ये 12 ले रहा है, ये भी 12 ले रहा है, यानी कि ऐसा कैटायन ही एलम बनाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6। लिथियम नहीं ले सकता 6, क्योंकि लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो लिथियम कभी भी मोनोवेलेंट कैटायन के फॉर्म में यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखिए एलम कैसे लिखते हैं, एलम का नाम, नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलम का जो नाम लिखते हैं वो देखना कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखना है और इनका सबका नाम लिखना है। नाम लिखने का एक सिंपल रूल है, अगर ट्राइवेलेंट केटायन एल्यूमिनियम हो तो नाम मोनोवेलेंट के नाम से दिया जाता है, तो नाम मोनोवेलेंट का जो नाम है वो क्या आएगा, पोटाश एलम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका नाम क्या आएगा, एल्यूमिनियम है वापस से, तो नाम क्या बनेगा, अमोनियम एलम। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अब ध्यान देना, ट्राइवेलेंट केटायन अगर एल्यूमिनियम हो
तो नाम दोनों वेलेंट से देते हैं, लेकिन ट्राइवेलेंट अगर कोई और हो तो नाम ट्राइवेलेंट से देते हैं। इसका नाम पड़ जाएगा क्रोमेलम, इसका नाम देखेंगे हम तो फेरिकेलम। क्लियर? तो अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी तो पोटाश एलम, इसका नाम अमोनियम एलम, इसका नाम क्रोमेलम और इसका नाम फेरिकेलम। तो यानी अगर मैं पोटाश एलम बोलता हूं तो ये फिक्स हो जाता है कि ट्राइवेलेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम, और मोनोवेलेंट है पोटेशियम। लेकिन मैं क्रोमेलम बोलता हूं तो ये फिक्स हो रहा है सिर्फ कि क्रोमियम ट्राइवेलेंट है, मोनोवेलेंट का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम, अमोनियम, सोडियम, कोई भी। ठीक, अब जब बात आती है इसके हीटिंग इफेक्ट की, हीटिंग इफेक्ट आप देखो K2SO4.24H2 इसको हीट करोगे आप तो स्वेलिंग आएगी। पहले तो स्वेलिंग क्यों आएगी, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकलेगा ये 24, तो 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकला तो ये K2SO4.L2SO4 बन गया। अब इसे और हाई टेम्परेचर देंगे तो ये आपका K2SO4 तो नहीं टूटेगा क्योंकि आयनिक होता है, लेकिन L2SO4 टूट गया L2O3 और SO3 में। और ये जो बना वो क्या बना, अमॉर्फस पाउडर। ये अमॉर्फस पाउडर हिंट देगा आपको कि यार ये X सॉल्ट जो है वो एलम है। यानी अगर मैं X करके हीटिंग कर दूं और बोल दूं एक सॉल्ट, और फिर बोल दूं कि यार वो सॉल्ट कौन सा होगा, अगर हीटिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमॉर्फस पाउडर है, तो आंसर दोगे आप एलम। अब देखो इसको सॉल्ट से कैसे कनेक्ट करेगा, आपने नोट किया ट्राइवेलेंट में मैंने जो लिखे थे, ट्राइवेलेंट में लिखे थे उसमें स्कैंडियम था, फिर Fe था, फिर एल्यूमिनियम था, फिर क्रोमियम था, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और Fe थर्ड ग्रुप के टाइन आ गए। तो थर्ड ग्रुप से कनेक्ट करेगा कैसे करेगा, देखो X कंपाउंड, X कंपाउंड दे दिया, हीटिंग दे दिया, और हीटिंग के बाद उसने लिखा यहाँ amorphous powder। तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, यार X तो alum हो सकती है, लेकिन अब इसमें cation पूछ रहा है कौन सा होगा, तो cation के लिए उसने दे दिया flame test और lilac color दे दिया यार। अगर flame test दे दिया और lilac color दे दिया तो आप खट से बोल दोगे potassium, और यहाँ दे दिया उसने Na2O2, ठीक है, और बोल दिया Y, और ये Y दे दिया उसने yellow सॉल्यूशन। अब आपको बताना है तो दिमाग लगाते हैं। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि Na2O2 जब भी होता है तो उसको आप NaOH plus H2O2 मानो। अभी H2O2 ऐसा होगा जो ऑक्सीडाइज करेगा, तीन कैटायन थे, एक एल्यूमिनियम हो सकता है, Fe हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। क्या एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं। Fe plus 3 होगा? नहीं। क्रोमियम हो सकता है? यस। तो यानी कि यहाँ क्रोमियम प्लस 3 जो रहा होगा वो इस H2O2 से ऑक्सीडाइज हुआ होगा क्रोमियम प्लस 6 में, और क्रोमियम प्लस 6 जो बेसिक मीडियम रहता है उस बेसिक मीडियम में आपको पता है क्रोमेट में रहता है, ये बना होगा क्रोमेट, और इसी क्रोमेट का कलर होता है येलो। और ये जो क्रोमेट दिख रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होता है स्ट्रक्चर, D3S हाइब्रिडाइजेशन, और जो D होते हैं वो DXY, YZ और ZX होते हैं, नॉन एक्सियल D हैं ये। क्या है ये? नॉन एक्सियल। तो इस तरह से ये कनेक्ट कर सकता है आपके अंदर कि सॉल्ट एनालिसिस से एलम कैसे कनेक्ट हुआ। ठीक, ये आपका पूरा सॉल्ट एनालिसिस खत्म हुआ, इसको अच्छे से लर्न करना, कोई कंजूसी मत करना, होमवर्क मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, उसे आप कोशिश करें पूरा करने की, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।